बोल रहे हैं फट गया सिलेंडर। हाँ निकल गया रे। नेताजी सुभाष मार्ग यानी दरियागंज के मेन रोड पर इसी 24/7 के बाहर जो धू धू करती हुई आपने एक गाड़ी देखी i20 जिसमें CNG किट लगी हुई थी, वो दरअसल CNG किट मॉडिफाई कराई गई थी, वो कंपनी फिटेड नहीं थी। लेकिन आजकल देखा यही जाता है कि लोग पैसे की बचत के लिए, बहुत सारे लोगों ने अक्सर ऐसा किया हुआ है, कई लोग ये भी सोचते हैं कि इकोनॉमिकली फ़ायदा हो जाए, और हर इंसान कोई भी हो उसमें ये सोचता है कि जहाँ तक फ्यूल की बचत हो, डीजल पेट्रोल से बच करके CNG लगाया जाता है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना नुकसानदेह हो सकती है, आप समझ के देख सकते हैं। इस कार के अंदर जो ये यहाँ खड़ी थी, जो पूरी तरह से धू धू करके जलते हुए लोगों ने देखा, वीडियो चंद लम्हों में वायरल हुई, और गाड़ी की कुछ ये कंडीशन है जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस आग के बुझने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन एक मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ, एक पैगाम आप लोगों को देना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग CNG की गाड़ी में सफ़र करते हैं या इस तरह की गाड़ियों से अपने परिवार को लेकर के कहीं घूमते हैं, निकलते हैं, फिरते हैं। गनीमत रही कि इस गाड़ी को जो शख्स चला रहे थे वो कम अज़ कम जानते थे, एक मैकेनिक है, उन्होंने तुरंत फौरन जो CNG का कनेक्शन था उसी को ख़त्म किया और इसका इग्निशन ऑफ किया। आप सोचिए अगर इसमें मासूम बच्चे होते, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे होते, महिलाएं होती, वो कैसे इसको हैंडल कर पाते। इस वक्त में मेरे साथ में, क्या नाम है आपका? समीर। समीर ही थे इस गाड़ी में जिस वक्त में इस आग लगी। समीर, एग्जैक्टली हुआ क्या है और कैसे अचानक इतनी तेज़ी से आग लगी CNG की पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई, क्या इसके अंदर दिक्कत थी? स्पार्क हुआ था, मैं गाड़ी से उतरा हुआ था, जब मैंने स्विच लगाया तो उसमें स्पार्क आया, मैं उसमें सिलेंडर लेकर आया आग बुझाने वाला, मैंने उससे आग बुझाई, आग बुझाते टाइम मैंने बैटरी के तार निकाले, फिर उसको CNG को बंद करा। फिर क्या हुआ? करने के बाद फायर ब्रिगेड तो आई थी पौन घंटे में, जब उसके बाद आई तो पूरी तक जलती रही, जल चुकी थी। आप कोशिश कर रहे थे इसको बुझाने की? पाँच सिलेंडर खाली कर दिए थे 24 से ले गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर PCR वगैरह आई, फायर ब्रिगेड आई, पानी से उन्होंने आग बुझाई। आग लगने की वजह क्या थी? अंडर स्पार्क हो गया था CNG का। अब यानी ये मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाह रहा हूँ लोगों को, जो लोग CNG की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और वो कंपनी फिटेड नहीं अगर होती, बेकार उसको मॉडिफाई कराते हैं, बाहर से लगवाते हैं, बाहर की बेकार है, कंपनी सिक्वेंशियल बढ़ गया है, उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं जो बाहर वाली है? नहीं, कम होता है। नहीं, आग लगने के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं ना, यही तो हुआ है इसके अंदर भी मुझे लगता है। अच्छा, आपने कहा कि इन 24/7 वालों से मैंने कई फायर एक्सटिंग्विशर्स लिए आग बुझाने के लिए, लेकिन काबू नहीं आ रही थी, तो इसमें स्पार्क हुआ, कब जा कर के ये हुआ? अच्छा, आप इसका काम जानते हो क्या? जी। आपने इसको बंद कैसे किया? हाथ डाल के डिग्गी खोल के हाथ डाल के जब बंद करा सिलेंडर। तो ये तो समीर आप जानते हो काम, कि इसमें हाथ डाला, डिग्गी खोली, बंद कर दिया। कोई अनाड़ी आदमी हो, कोई नौ सीखिया हो या किसी को नहीं मालूम, वो तो पूरा जल सकता था जी। और बच्चे होते, परिवार होता तो पूरा जल सकता था जी, बिल्कुल। तो ये कौन सा मैकेनिक ऐसा था जिसने ये काम किया है? टेक्निकली ये इधर की तरफ था, लोधी रोड की तरफ, वहाँ से करा कर लेकर आया था ये काम में। अच्छा,
कल क्या आज ही समझ लो आज फिर सेटिंग कराने गया था, लैपटॉप वगैरह लगाया तो उनने सेटिंग देखी लिकिस्टी वो बंद कर दी। मैंने फिर अपना एक्सेस को लाके मैंने ट्राई मार लेता हूँ, प्यास लगी 24 से पानी की बोतल ली थी। फिर आप जैसे ही गाड़ी से उतरे वैसे ही आग लगी है या आप जब बोतल लेकर आए हो चाबी? आप जब ये 24/7 से वाटर बॉटल लेके आए और आप गाड़ी में बैठे, आपने गाड़ी स्टार्ट की, जैसे इग्निशन ऑन किया वैसे स्पार्क हो गया। फिर मैंने वो पानी से फिर डैम में डाल दिया वो पानी गाड़ी की सीट में। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समीर काम जानते हैं, इनको मालूम था कि कहाँ से सीएनजी का जो पूरी फिटिंग कनेक्शन है कहाँ से इसका कनेक्शन टूटेगा और आगे आग बढ़ने से रुक जाती, ऐसा इनका कहना था। कोई और होता तो उसमें परिवार के साथ होता, मासूम बच्चों के, महिलाओं के, बुज़ुर्ग कोई होता, क्या निकल पाता गाड़ी में से? ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो सीएनजी की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या जो इस तरीके की सोचते हैं कि कुछ पैसे की बचत के लिए थोड़ा बहुत ही ज़रा भी पैसा बच जाए, और लोगों की ये सोच बन जाती है कि हम जो पेट्रोल की गाड़ी है उसके अंदर या डीजल की गाड़ी है उसके अंदर सीएनजी लगवा लें, जो कंपनी फिटेड नहीं होती, मॉडिफाई कराना होता है लोगों को और लोग करा लेते हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं इस तरीके से भुगतना पड़ता है। सीएनजी का यूज़ जो है आजकल कमर्शियल और प्राइवेट हर कोई यूज़ कर रहा है। सीएनजी का यूज़ कमर्शियल में ज़्यादा यूज़ हो रहा है और प्राइवेट भी यूज़ हो रहा है। सिर्फ और किस वजह से इंसान सीएनजी लगाता है, क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं और चलते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं हो सकता, हम इवन हमें भी नहीं पता था कि ये हादसा हो सकता है। वो तो जानी नुकसान हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई, ये तो चलो गाड़ी का नुकसान है, जो होना था वो हो गया। आपके सामने देखिए क्या हालत हो गई। और ये ऑटोमेटिक कार होती है, ऑटोमेटिक में ये होता है कि इसके शीशे ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं, लॉक होने के बाद खुलते भी नहीं। तो यही है कि इंसान अपना ध्यान रखे, ऐसा तो कुछ है। और ये रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों, मेरा मतलब डोमेस्टिक में भी और कमर्शियल भी दोनों यूज़ हो रहा है, तो उसका ध्यान हमें सीएनजी ज़्यादा, खासतौर से वो जो कंपनी से फिटेड नहीं है। ये बाहर से लगवाई थी, तो इसी वजह से बाहर से लगवाने के चक्कर में इसमें क्या इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट आया, क्या मैकेनिकल फॉल्ट आया, जो भी आया, उसके बाद ये गाड़ी मुश्किल से 15 मिनट में ऐसी हो गई, एकदम नई कंडीशन थी। 2018-19 का मॉडल था। अगर इसमें औरतें, बच्चे, महिलाएं होते, जान का नुकसान हो सकता था। वही बात एक बात आप बोलिए, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंसान आगे से अगर इसमें औरतें बच्चे होते तो इसमें नुकसान हो सकता था। अभी तो माल का हुआ है, जब जान का भी हो सकता था। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान, हमें भी नहीं पता था कि ये ऐसा हो सकता है, सीएनजी में कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा हादसा हो सकता है, ये हमें भी नहीं पता था, ये हमने भी पहली बार देखा। तो मतलब कहने का यही है कि इंसान आगे तो एक तरफ आदमी सोच रहा है कि कुछ बचत हो जाए, वहीं दूसरी तरफ नुकसान बहुत बड़ी चीज़ जानी नुकसान हो सकता है, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जानी नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जिसका जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि सीएनजी क्यों लगवाई थी हमने, पेट्रोल पर ही चल लेते, कम से कम कंपनी क्लेम तो कर सकते हैं, कंपनी को कुछ कर सकते हैं, लेकिन सीएनजी जो हम बाहर से लगवाते हैं वो किसे क्लेम करेंगे? ये तो लोकल लगी हुई है, किसी को बोल ही नहीं सकते। तो यही है कि इंसान को सोचना चाहिए, थोड़ा सा दो पैसे के चक्कर में अगर हम ये कर रहे हैं तो जान का नुकसान हो सकता है। फिर भी औरतें कैसे निकल जाएंगी फरहान भाई, बच्चे कैसे निकल जाएंगे अगर गाड़ी में बैठे और सीएनजी पकड़ ले आग, फिर कैसे निकल पाएंगे? बिल्कुल, दो तो कोई निकल भी जाए तो, ये खुद हमने फर्स्ट टाइम देखा, ऐसा हो सकता है। कोविड के डर लग गया कि क्या चीज़, कोई डरे ना डरे सीएनजी गाड़ी में बैठने से, लेकिन हमें तो डर लग गया कि आज के बाद सीएनजी कार में कभी बैठना नहीं है, और ख़ास तौर से जो बाहर से कंपनी फिटिंग नहीं है, जो बाहर से उसमें तो कभी नहीं बैठना। कंपनी से तो एक बार देख सकते हैं कि उनका होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें नहीं बैठना चाहिए। तो यही एक मैसेज है, कोई बात नहीं, इंसान को आगे अलर्ट रहे, देखे, खुद देखे ना फरहान भाई क्या हाल हो गई, गाड़ी अच्छी थी, बिल्कुल नई गाड़ी थी और बिल्कुल एकदम खत्म हो गई, खत्म हो गई, खुद देखे। बहरहाल आग तो बुझ गई, और जैसे इन्होंने कहा कि लगभग 1.5 घंटे के अंतराल में यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची और आग पर काबू पाया। कितना बड़ा नुकसान हो सकता था आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं, और मैं भी समझ रहा हूँ, हकीकत यही है कि ये एक बड़ा जानी नुकसान के अंदर तब्दील हो सकता था, जिस तरह अगर ये मामला होता। और सीएनजी का जो अंदर सिलेंडर लगा हुआ है, अगर वो ब्लास्ट होता तो ये जो आप मेरे बाईं तरफ बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं जहाँ ये 24/7 है, यहाँ पर भी बड़ा नुकसान हो सकता था, गाड़ी का सिलेंडर फटता और बिल्डिंग तक नुकसान पहुँचता। एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मोहतात नहीं रहेंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे, तो फिर हयात कैसे रहेंगे।
आप लोग दरियागंज इलाके से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव पर आने या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव पर आने या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।